हेलो वेलकम, बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दिन भर की बड़ी खबरें कौन सी रही? कोरोना का आंकड़ा देश भर में कहां तक पहुंच चुका है, कोरोना का कहर विश्व भर में कितना है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। इटली में एक दिन में रिकॉर्ड 979 लोगों की मौत, अमेरिका में चीन से भी ज्यादा केसेस आए सामने। देश में बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या, आंकड़ा पहुंचा 870 के पार, अब तक 20 लोगों की मौत। लॉकडाउन के बीच राहुल गांधी ने की खास अपील, बोले सैकड़ों भाई बहन भूखे प्यासे पैदल अपने गांव जाने को है मजबूर, कीजिए मदद। देश भर में लॉकडाउन होने के बाद बड़ी संख्या में शहरों से पलायन कर रहे मजदूर, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को जारी की एडवाइजरी, कहा रहने खाने की व्यवस्था करे राज्य सरकार। चलिए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं और सबसे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की बात करते हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब उन लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है जिनके सामने रोजी रोटी का सवाल है, यानी कि दिहाड़ी के मजदूर है। 21 दिन अगर लॉकडाउन है तो वो कैसे कमाएंगे और कैसे खाएंगे, इसीलिए पैदल निकल चुके हैं क्योंकि सभी परिवहन सेवाएं बंद है। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया है कि आप व्यवस्था लाइए, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। आज हमारे सैकड़ों भाई बहनों को भूखे प्यासे परिवार सहित अपने गांव की ओर पैदल जाना पड़ रहा है। इस कठिन रास्ते पर आप में से जो भी उन्हें खाना पीना सहारा दे सके कृपया दे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं से मदद की खास अपील करता हूं, जय हिंद। ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है, ऐसे में अब ये लोग भूखे प्यासे अपने गांव की तरफ चल पड़े हैं क्योंकि इनका कहना है कि आखिर 21 दिन जब काम नहीं है, अगर हम कुछ कमाएंगे नहीं तो कैसे खाएंगे, किराने वाला महंगे सामान पर चीजें दे रहा है, इसीलिए इनके सामने रोजी रोटी का बड़ा सवाल हो गया है। पूरी दुनिया में कोरोना का क्या प्रकोप है वो आपको अब बताते हैं। पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, ऐसे में सभी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने कोरोना से निपटने के लिए भारत को $29 लाख मदद के तौर पर देने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो प्रयोगशाला तंत्र स्थापित करने, मामलों की खोज और घटनाओं पर आधारित निगरानी के लिए और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता में मदद करने के मकसद से सरकार को $29 लाख की मदद दे रहा है। वाकई ये साथ खड़े होने का, एक दूसरे की मदद करने का बहुत बड़ा कह सकते हैं समय है और पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। अब मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में, आंकड़े ऐसे आपको डराने पर मजबूर कर दें कि कोरोना वायरस महामारी से विश्व भर में अब तक 27,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के कम से कम 5,96,779 मामले सामने आ चुके हैं। इटली में एक दिन में रिकॉर्ड 969 लोगों की मौत हो गई है, जो किसी देश में सर्वाधिक है। स्पेन में अब तक 5,138 मौतें हुई हैं। यहां पर बड़ी बात यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं चीन में इस वायरस से अब तक 3,295 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना पूरी दुनिया में अपने पैर पसारता जा रहा है, ऐसे में अब बहुत जरूरत हो गई है कि इससे कैसे लड़ा जाए, पूरी दुनिया को एक साथ आना ही होगा। तो ये आज की बड़ी खबरें थी, हमने आपको दिखाई सुर्खियां, आपको दिखाई कोरोना पूरी दुनिया पर कैसे लॉकडाउन कर चुका है, पूरी दुनिया उसकी चपेट में कैसे आ चुकी है, यह भी हमने आपको दिखाया। कल फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के साथ में। अब तक के लिए शुक्रिया।